हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज का पार्ट वन देख लिए हैं, जिसमें से टाइप वन का पार्ट वन देखे हैं, अब उसी का पार्ट टू पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पार्ट वन चल रहा है अभी, पार्ट वन का आप लोग देख चुके हैं, सॉरी टाइप वन का पार्ट वन देख चुके हैं, अब हम लोग इसका पार्ट टू देखते हैं, ठीक है। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि प्राइस को जब आप कंजम्पशन से गुना करेंगे तो क्या आता है, बताइए फटाक से आप लोग। प्राइस से जब आप लोग कंजम्पशन से गुना करते क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया था यदि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, यदि खर्च कांस्टेंट दिया रहेगा तब वहां पर क्या होता है, यदि खर्च कांस्टेंट है तब जो प्राइस का जो होगा, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, कंजम्पशन का हो जाएगा। इसका मतलब यदि प्राइस का रेशियो ए इज टू बी दिया हुआ है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, बी इज टू ए। समझ गए, ये आपका हो गया रेशियो, समझ गए। उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इसी पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन छूट गया था पहला क्लास में, उसको आज हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी के भाव में 20% कमी होने के कारण एक परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम चीनी खरीद पाता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, चार चीज फाइंड करना है। नंबर एक वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन। नंबर दो नया खपत, न्यू कंजम्पशन। नंबर तीन वास्तविक भाव, ओरिजिनल रेट। और नंबर तीन नया भाव, नया न्यू रेट, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर चीनी का जो कीमत है वो 20% क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुआ है। 20% वृद्धि मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। वृद्धि हुआ इसलिए क्या लिखेंगे, प्लस। अब मानेंगे हम लोग, मान लीजिए उसका प्राइस पहले 5 था, 5 में से 1 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रहा है खर्च उसका कांस्टेंट है, खर्च वो बढ़ा नहीं रहा है। कहा है देखिए यहाँ पर लिखा है 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है, मतलब पहले वो 300 ही खर्च करता था और अभी भी 300 खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये 300 में क्या कर रहा है, 12 केजी कम खरीद पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब खर्च मेरा कॉन्स्टेंट है, पहले भी 300 था, अभी भी वो 300 रखना चाह रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 6:5 लिख दिए। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन बोला है कितना केजी कम खरीद रहा है, 12 केजी। यहां पर देखिए पहले कितना खरीद पा रहा था, पहले खरीद पा रहा था 6, अभी कितना खरीद पा रहा है, 5। कितना कम खरीद रहा है, 1। और रियल में कितना कम खरीद रहा है, 12 केजी, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओरिजिनल और ये हो गया इसका न्यू, ये हो गया इसका वास्तविक और ये हो गया नया। वास्तविक मतलब जो पहले था, नया मतलब जो अभी है, ठीक है। अब बताइए इसका वास्तविक खपत कितना है, वास्तविक खपत 6, तो 6 यहां पर पहला क्वेश्चन का आंसर, वास्तविक खपत 1 का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×6=72 केजी, ये हो गया वास्तविक खपत। नंबर दूसरा नया खपत, नया खपत पहले जो खा रहा था वो हो गया वास्तविक, जो अभी जितना चीनी उसका आ रहा है वो हो गया न्यू। तो अभी कितना चीनी आ रहा है, 5, तो 5 का वैल्यू 1 का वैल्यू दिया है 12, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×5=60 केजी, समझ गए। 1 का वैल्यू दिया है 12, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72। 5 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी 1 का वैल्यू दिया है 12, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12×5=60। ये दो क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, इसी का देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है वास्तविक भाव, वास्तविक भाव। देखिए भाव यानी कि रेट कैसे निकालते हैं, किसी वस्तु का भाव या फिर रेट कैसे निकालते हैं। आप लोग दुकान वुकान जाते होंगे तो पूछते होंगे चीनी का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है। इसका मतलब क्या, आप आलू कैसे रुपया प्रति केजी दे रहे हैं या फिर चीनी कैसे रुपया प्रति केजी दे रहे हैं। इसका मतलब भाव बराबर क्या होता है, भाव बराबर रुपए पर केजी या फिर रुपए पर वस्तु, रुपए पर केजी या फिर रुपए पर वस्तु, ठीक है।
अब बोला गया वास्तविक भाव, तो रुपए कितना रुपए वो खर्च कर रहा था, 300 रुपए खर्च कर रहा था, ठीक है। उसके बाद 300 रुपए में कितना आ रहा था उसका चीनी, तो वार्षिक 72 यहां पर आया था, इधर लिख देते हैं ये 72 था और ये 60 था। अब बताइए यहां पर पहले जो है उसका कितना आता था, 72 की 300 रुपए में 72 केजी आ रहा था चीनी, 1 केजी का दाम कितना निकल जाएगा, 300 बटे 72 कर देंगे तो रुपए पर केजी, ठीक है, 300 बटे 72 ये कट जाएगा आपका, तीन से भी कटेगा लेने, उससे बड़ा काट रहे हैं हम, 4 से काट रहे हैं, ठीक है। ये 18 चौक 72 हो गया और ये हो गया 4 से 75 बार में, और ये कट जाएगा फिर 3 से कट जाएगा, और 3 से 6 बार में कटेगा, ये 3 से कटेगा 25 और ये कटेगा तो आ गया 25 बटा 6। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24 पूर्णांक 1/6 रुपए पर केजी, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका वास्तविक भाव, ठीक है, ये क्या हो गया आपका वास्तविक भाव, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन छोटा मोटा, कोई बड़ा बात नहीं है, याद रखें क्वेश्चन में एग्जाम में कोई भी एक ही क्वेश्चन देगा, चारों नहीं देगा, ठीक है, इतना में से 4 क्वेश्चन बताएं उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन देगा। चलिए अगला देखते हैं नया भाव, नया भाव कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, नया भाव। अब नया भाव बताइए, नया भाव के लिए आपको नया खपत चाहिए, अभी वो कितना चीनी ला रहा है, 60 केजी ला रहा है, कितना रुपए में, 300 रुपए में, तो 1 केजी दाम कैसे निकालेंगे, तो 300 रुपए पर केजी, इसको काट देंगे आप, कितना हो गया, ये 5 बार में कट गया, तो 5 रुपए पर केजी, ये हो गया आपका नया भाव, ठीक है, समझ गए। तो वास्तविक खपत कैसे निकालेंगे, नया खपत कैसे निकालेंगे, फिर वास्तविक भाव कैसे निकालेंगे और नया भाव कैसे निकालेंगे, समझ गए। और ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा समझने के लिए और एक हम एग्जांपल लेंगे इसी टाइप में, आप लोग देखिए इसको फिर ट्राई कीजिए, ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कीजिए फिर देखिए सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से, चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 420 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, 420 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो ज्ञात करें फिर से देखिए, वास्तविक खपत, वास्तविक भाव, नया खपत, नया भाव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब कितना परसेंट देखिए यहां पर कमी हुआ है, कितना परसेंट, 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/10, ठीक है। मान लीजिए पहले जो है या फिर ओरिजिनल में पहले कितना दाम था चीनी का, मान लीजिए प्राइस जो था 10 था, 10 में से कमी हुआ इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं, 10 में से 3 कम हो गया तो बचा कितना, 7, मतलब अभी दाम कितना हो गया 7, 400 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, 400 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, खर्च कॉन्स्टेंट है, तो कंजम्पशन का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा 7 से 10। अब देखिए पहले वो कितना चीनी खा रहा था, 7, अभी कितना खा रहा है, 10, कितना ज्यादा खा रहा है, 3, समझ रहे, 3 ज्यादा खा रहा है, और रियल में 420 रुपए में कितना ज्यादा आ रहा है, 6 केजी, रियल में 6 केजी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 केजी। अब बताइए वास्तविक खपत कितना था, मतलब पहले कितना खाता था, तो पहले के 7 खा रहा था, तो 7 का वैल्यू निकाल देंगे, तो वास्तविक खपत बराबर 7, 1 का वैल्यू है 2, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 केजी। नया खपत, नया खपत, नया खपत देखिए 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 का वैल्यू दिया है 2, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 केजी। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब टाइप है, ठीक है। तो पहला कैसे निकाला, वास्तविक खपत कैसे निकाले, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि पहले कितना खा रहा था, वो 7 खा रहा था। उसके बाद यहाँ पर 10 का वैल्यू निकालना, 1 का वैल्यू दिया है 2, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है क्या, वास्तविक भाव। तो अभी बताइए वास्तविक भाव, भाव कैसे निकालते हैं, कितना रुपए वो खर्च करता था, पहले एक चीज बताइए यहां पर लिख देते हैं, ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 20, मतलब पहले वो 14 केजी खाता था,
अब खा रहा है 20 केजी, तो पहले कितना खा रहा था 14 केजी, 420 रुपए में वो 14 केजी खा रहा था। तो एक केजी दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 420 बटा 14 कर देंगे, निकल जाएगा 44 होता है, 30 बार में कट गया ये, 30 रुपए पर केजी। पहले दाम चीनी कितना था, 30 रुपए पर केजी, नया भाव, नया भाव। तो बताइए अभी वो चीनी कितना खा रहा है, 20 खा रहा है, तो भाव निकालने के लिए रुपए पर केजी, इसको काट, सॉरी यहां पर 420 है, रुपए पर केजी काटिए, इसको कितना हो गया, 21, तो 21 रुपए पर केजी। मतलब पहले चीनी का दाम था 30 रुपए, घटने के बाद कितना हो गया, 21 रुपए। समझ गए यहां तक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज इसको बना के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग इस डिस्प्ले में दिख भी रहा होगा, अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 24 रुपए में 2 अंडे कम उपलब्ध होते हैं, तो आप प्रति दर्जन अंडे की दर ज्ञात करें। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यदि समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।